हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द जैम। अब हम देखेंगे कि गेटहब से प्रोजेक्ट लेकर अपने जैम सर्वर से उसे कैसे रन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द जैम सर्वर। जैम इज़ एन एब्रीवेशन फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे MySQL एंड PHP एंड इट अलाउज यू टू बिल्ड वर्डप्रेस साइट ऑफलाइन ऑन अ लोकल वेब सर्वर ऑन योर कंप्यूटर। This simple and lightweight solution works on Windows, Linux, Mac. XAMPP helps a local host or server to test its website and clients while computer and laptops before releasing it to the main server. It is a platform that furnishes a suitable environment to test and verify the working of project based on Apache, Perl, MySQL database and PHP through the system of the host itself. इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक लोकल होस्ट की ज़रूरत होती है और वो लोकल होस्ट का काम जैम करता है। अभी इतना ही ध्यान में रखिए, आगे हम आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट आपको गेटहब से अपने प्रोजेक्ट टॉपिक रिलेटेड सोर्स कोड को डाउनलोड करना होगा, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका कोड आपको डाउनलोड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को डाउनलोड करता हूँ। हमको इसको उसके zip फाइल को डाउनलोड करना है। अब आप देख सकते हो कि वो zip फाइल हमारे डाउनलोड्स में आ गई है। अब इस zip फाइल को हमको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक मेन एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान से देखिए। यह स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सट्रैक्ट फाइल को हमको कट या कॉपी करके हमको इसको विंडोज सी में, मतलब जहाँ पर हमारा जैम इंस्टॉल है वहाँ जाके, उसमें आप अभी जैम में आप देख सकते हो कि बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स है। इसमें हमको जाना है HT docs में और यहाँ पर हमको हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर को पेस्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर विंडोज सी के अंदर जैम के अंदर HT docs में हमने उस फोल्डर को पेस्ट किया है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमको हमारे फोल्डर को, प्रोजेक्ट फोल्डर को HT docs में डालना है। तो गाइस, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपना एडिटर ओपन करना है जहाँ पर आप अपने कोड को एडिट करते हैं। मैं सबलाइन एडिटर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी है। आपको जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस है। अब यहाँ पर हमको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करना है तो उसके लिए हमको जाना है फाइल्स में। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो फाइल्स, लेफ्ट साइड के टॉप में, इसमें हमको जाना है ओपन फोल्डर। हमने हमारा फोल्डर सेव किया है विंडोज सी में, जैम HT docs। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर है। मैंने जो वेबसाइट एडिट की है वो ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आपको डेटाबेस का बता सकूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने मेरी एडिट की हुई वेबसाइट ओपन की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि CSS फोल्डर है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, PHP का फोल्डर है, और इसमें आप देख सकते हो कि HTML फाइल्स है, PHP फाइल्स है, CSS फाइल्स है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि index.html मतलब जो हमारे
वेबसाइट का होम पेज है, ये हमारे वेबसाइट का होम पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका कोड है, मतलब वेबसाइट का कोड है, होम पेज के वेबसाइट का कोड। तो उसके बाद SQL मतलब हमारी डेटाबेस की फाइल, जहाँ पर हमने हमारे टेबल्स मतलब वेबसाइट के टेबल्स क्रिएट किए हैं और उसमें हमने हमारे टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं, ये हमने क्वेरी से टेबल्स बनाए हैं, मतलब क्रिएट टेबल्स क्वेरी यूज़ करके हमने टेबल बनाए हैं और उसमें इंसर्ट क्वेरी यूज़ करके उसमें हमने वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं। तो उसके बाद हमको जाना है index.html, तो हमको हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के मतलब हमको इसका पाथ कॉपी करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपी फाइल पाथ, और वो पाथ को हमारे ब्राउज़र में हमको पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हो हमने हमारी वेबसाइट को ब्राउज़र पर ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन एंड एम्प्लॉय लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है, होम, अबाउट अस। तो अब हम देखते हैं लॉगिन करके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे वेब पेज पे ऐसा कोड टाइप कुछ आया है, तो ये किस लिए है, क्योंकि हमने हमारे वेबसाइट को होस्ट नहीं किया, तो इसलिए हमको यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल, जैम कंट्रोल पैनल, मतलब हमको हमारे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जैम ओपन करना है। जैम ओपन करने के बाद हमको जो और हमको ये फर्स्ट थ्री को स्टार्ट करना है, हमको सिर्फ फर्स्ट टू से ही काम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट है अपैचे, जो आपका लोकल वेब सर्वर का काम करता है, और सेकंड है MySQL, जहाँ आपका डेटाबेस सेव होता है, मतलब जहाँ पर आप अपने वेबसाइट के डेटा को स्टोर एंड रिकॉर्ड कर सकते हो। बाद में आपको एडमिन पर मतलब MySQL के एडमिन पर क्लिक करना है, तो फिर आपका PHP माई एडमिन पेज शो होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटाबेस शो हो रहा है, ये मेरी कुछ वेबसाइट्स के डेटाबेस है। तो यहाँ पर आप MyPHP एडमिन में आप देख सकते हो कि हमारे वेबसाइट के डेटाबेस है और उसमें हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं। सो फर्स्ट मैं आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये बताता हूँ। आपको उसके लिए जाना है SQL फाइल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटाबेस का नेम मतलब हमारे वेबसाइट के डेटाबेस का नेम है 370 प्रोजेक्ट। तो हमको नए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमको 370 प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर डेटाबेस का नेम रॉन्ग पुट किया, अगर यहाँ पर देख आपने स्पेस पुट किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, 370 प्रोजेक्ट, और आपने अगर यहाँ पर स्पेस पुट किया तो आपका रॉन्ग डेटाबेस क्रिएट होगा और अपनी वेबसाइट उसमें लिंक नहीं होगी, मतलब उसका अपना डेटा वेबसाइट से लिंक नहीं होगा। इसलिए ये नेमिंग देते वक्त प्रोजेक्ट डेटाबेस का नेम देते वक्त ध्यान से दें, तो 370 प्रोजेक्ट और बाद में क्रिएट। मैंने मेरे वेबसाइट का डेटाबेस पहले से ही क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हो 370 प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल्स क्रिएट किए हैं मैंने, और मैं आपको एडमिन का टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ।
क्योंकि वो मैंने क्रिएट नहीं किया आपको दिखाने के लिए। तो हमको अगर टेबल क्रिएट करना है हमारे डेटाबेस वेबसाइट के डेटाबेस से, तो उसके लिए हमको जाना है डेटाबेस के नीचे जो न्यू है, न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको टेबल नेम पूछेगा। तो हमको बनाना है एडमिन लॉगिन का टेबल। तो हमको SQL में जाके आप देख सकते हो क्रिएट टेबल ए लॉगिन मतलब एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर आपको डालना है ए लॉगिन मतलब एडमिन लॉगिन। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं वो पूछ रहा है। तो हमारे एडमिन लॉगिन में सिर्फ तीन ही कॉलम्स है, ID, ईमेल, पासवर्ड। और अगर आपको तीन चार से ज़्यादा कॉलम चाहिए, नेम, ईमेल, नाम, सब्जेक्ट, मैसेज, तो आपको यहाँ पर ऐड मतलब अगर आपको छः कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो चार कॉलम ऑलरेडी है। अगर आपको टू कॉलम्स ऐड करने हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो ये कॉलम्स ऐड हो गए। तो हमको सिर्फ तीन ही कॉलम चाहिए, तो हम देखेंगे एडमिन लॉगिन में क्या है, ID, ईमेल, पासवर्ड। तो उसके बाद हमको डालना है डेटा टाइप मतलब हमारे डेटा का जो भी डेटा टाइप है आप वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। आईडी का इंट, ईमेल का टाइनी टेक्स्ट, पासवर्ड का लॉन्ग टेक्स्ट, इंट टाइनी टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट और ये है लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉट नल, नॉट नल और नॉट नल मतलब नल होता तो अगर हमको यहाँ पर नल करना पड़ता, लेकिन वो नॉट नल है तो हम नल ही रखते हैं इसको तीनों को। लेंथ, इसको हमको लेंथ देना है। ईमेल को हम देंगे 15। ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 11th आईडी के लिए 11th का लेंथ दिया है। और ईमेल एंड पासवर्ड को हम देंगे 15 15। और उसके बाद कनेक्शन, इसमें हमको लैटिन 1 सिलेक्ट करना है सभी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एट्रीब्यूट नल इंडेक्स, ये आपको बाद में पता चलेगा कि प्राइमरी यूनिक इंडेक्स ये क्या होता है। अगर इस पे भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझको। और यहाँ पर हम करेंगे लैटिन, तो हमने सब किया तो हम और यहाँ पर स्टोरेज इंजन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वो दिखाए इंजन और ये लैटिन 1। तो हम करेंगे टेबल क्रिएट। आप देख सकते हो कि हमारा अ लॉगिन का टेबल क्रिएट हुआ है। और इसमें देखो नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड है, डेटा टाइप इंट है, लैटिन वन। तो उसके बाद अगर हमको हमारे टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से भी क्वेरी यूज़ करके, इंसर्ट क्वेरी यूज़ करके हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से भी हमने हमारे टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ देंगे 101 आईडी और ये देंगे एडमिन, पासवर्ड भी हम रखेंगे एडमिन। तो हमने हमारे टेबल में एडमिन लॉगिन टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ होता है कि नहीं, नहीं हुआ क्योंकि हमको यहाँ पर लोकल होस्ट डालना है मतलब यहाँ पर सी से लेके ST डॉक्स निकालना है और यहाँ पर लोकल होस्ट डालना है। देखो आप देख सकते हो सी से लेके ST डॉक्स तक हमको पूरा निकालना है और यहाँ पर हमको लोकल
होस्ट पुट करना है। अब आप देख सकते हो कि एडमिन, तो आप देख सकते हो कि हमने हमारे प्रोजेक्ट में लॉगिन सक्सेसफुली किया है, एडमिन लॉगिन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एड एम्प्लॉय, अब जो भी यहाँ पर डेटा डालोगे वो हमारे पीएचपी में सेव हो जाएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय में सब सेव हो जाएगा। जो भी हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे वो यहाँ पर उसका डेटा हम लोग को दिखेगा। और आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, अगर आपको एक डेटाबेस मतलब एसक्यूएल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, अगर आपको डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, उसके टेबल्स बहुत सारे होते हैं, तब हम लोग को एक ऑप्शन दिया है इंपोर्ट। यहाँ से हम अपने एसक्यूएल फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब पूरे डेटाबेस को डायरेक्टली यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल के फाइल को सिलेक्ट करके। तो हमारा डेटाबेस यहाँ से बन सकता है डायरेक्टली, हमको टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करना है। तो ये इजी ट्रिक है। और अगर आपने गेटअप से प्रोजेक्ट लिया है तो आप कोडिंग यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के कोडिंग एडिट करें, मतलब जो भी आप कोड है उसको एडिट करें और क्वेरी सीखें। जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, फर्स्ट क्वेरी सीखे और सभी लैंग्वेजेस मतलब HTML, CSS, Python, Java को सीखिए। और बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको कुछ टॉपिक्स रिलेटेड कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।